हाँ जी बोलो बोलो, आज ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। नई दुनिया का जब सौगात की बात आती है, हाँ, जब नई दुनिया की, नई दुनिया नई सृष्टि की सौगात की बात आती है, तो जो नई सृष्टि रूपी मकान है उसमें पहली मंजिल आएगी पहले या फाउंडेशन पहले आएगा? फाउंडेशन जो है, और पहली से आखिरी मंजिल तक का जो सृष्टि रूपी मकान है उसमें कोई अंतर है खास या नहीं है? पहली मंजिल में और आखिरी मंजिलों में फाउंडेशन के साथ टैली किया जाए तो फाउंडेशन में कोई खास अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? खास अंतर है कि जो फाउंडेशन है वो गहराई में डाला जाता है, खोद के डाला जाता है, और ये नई दुनिया का जब फाउंडेशन पड़ता है तो एक बात और खास होती है। जो दुनिया में भी आजकल जब से नई दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया की बात हुई है, तो बाहर की पुरानी दुनिया में भी स्थूल रूप से अपनाई जाती है, वो कौन सी बात है? हाँ, चारों तरफ से पर्दा डाल देते हैं। कोई नया मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? चारों तरफ से घेराव डालते हैं, पर्दा डालते हैं, कोई बाहर की नजर न पड़ जाए। भक्ति मार्ग में खास करके बूढ़ी माताएं नजर को खास महत्व देती हैं कि नहीं देती हैं? है? अरे लाला के ऊपर कोई की नजर न पड़ जाए। तो ये नई सृष्टि का जो फाउंडेशन पड़ता है वो भी नई दुनिया का प्रारूप है। हाँ, अब बताइए पूछना क्या है? नई दुनिया का राजभाग देते हैं ये नहीं कहा, नई दुनिया की सौगात देते हैं। गेट तो तब खुलता है जब संपूर्ण हो जाता है, प्रदर्शनी बिल्कुल तैयार हो गई, तब फीता काटेंगे, गेट खोलेंगे, उद्घाटन होगा या पहले से ही होगा? हाँ जी। और बाबा, कोई युग में सब पतित हो गया तो दापोर सत्य युग में ये लोग भी पतित हो गया है? सत्य और दापोर, हाँ, ये तो वो लोग पतित हो गया। कलाएं पतित हुआ, कलाएं कम नहीं होती हैं? कला कम होता है, कलयुग में तो खत्म हो जाती है। कलयुग में ज्यादा कलाएं कम होती हैं, सत्युग में कलाएं धीरे धीरे कम होती हैं। इसलिए कम होती सुख भोगते को नहीं? अरे ज्यादा सुख भोगोगे तो सुख भोगने से नीचे गिरेंगे कि नहीं? शिव बाबा सुख भोगता है नहीं, नीचे क्यों नहीं गिरता? एवर प्योर क्यों रहता है? जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए ना सुख भोगता है ना, तो नीचे गिरने का सवाल ही नहीं। जितना जितना कर्म इंद्रियों से सुख भोगेंगे, ज्ञान इंद्रियों से सुख भोगेंगे, तो कुछ न कुछ पतन जरूर होगा।
वो चाहे देवताएं हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्र हों, एक को भी ये कला नहीं आती है कि सुख भी भोगे और नीचे नीचे न गिरे। ये सिर्फ संगम युग ही है जो बाप आकर के हमको ऐसी कला सिखलाते हैं। क्या कलाबाजी सिखलाते हैं, कैसा बैलेंस सिखलाते हैं, हैं? असली साधु बनना सिखाते हैं। क्या असली साधु बनना सिखाते हैं? साधु वो जो इंद्रियों को साध ले। क्या साध ले? भूख भी लगी हुई है, थालियां भी सामने पड़ी हुई हैं, भांति भांति के व्यंजन भी सामने हैं, है? लेकिन भगत सिंह ऐसी तेज में आया कि उसने खाना नहीं खाया तो नहीं खाया, उसके साथ ही भी मरते मरते मर गए, शरीर छोड़ दिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। कार्यम वा साधयामि जीवनम वा पातयामि, शरीर भले छूट जाए लेकिन जो सोच लिया वो करके छोड़ेंगे। इतना तक इंद्रियों को कंट्रोल किया, उसको कहते हैं साधना। साधा है इंद्रियों को तो उनको कहा जाता है साधु। अगर इंद्रियों को साधा नहीं और लबड़ लबड़ करके खा गए गधे की तरह, जल्दी मची है कहीं दूसरे ने कोई आके खा जाए तो उसको क्या कहेंगे? साधु कहेंगे, सवाधु कहेंगे। सवाधु है, साधु नहीं है, स्वाद लेने वाला है। वो नीचे गिरेगा, आत्मा नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? नीचे गिरेगी। ऐसे कर्म करना हमको शिव बाबा सिखलाते हैं। और बाबा है बोलते हैं रावण शक्तिमान है ना बलि शक्तिमान है, शक्ति में बेटी कौन है, रावण है ना बलि है? जो बलि है राजा बलि वो देवता था या राक्षस था? है फिर शक्तिमान कौन, रावण ना बलि? रावण खुद रावण, वो बलि खुद रावण संप्रदाय हो गया, जिसमें भी अहंकार है वो रावण का फॉलोअर है या नहीं है? है? अहंकार भी न हो। और हाँ जी है बरमूला ट्रायंगल में जाकर के जो शरीर छोड़ते हैं, हवाई जहाज गिर गया, पानी का जहाज गुम हो गया, पनडुब्बी गुम हो गई और उसमें काम करने वाले खलास हो गए तो उनका उनके बारे में क्या पूछना? भरेंगे भूत प्रेत, वो है ही भूत प्रेतों का अड्डा। भूत प्रेतों के जो कंट्रोल में आ जाएंगे और भूत प्रेत उनको अपना भोजन बना लेंगे, प्रभावित कर लेंगे, तो प्रभावित आत्माएं उनकी प्रजा हुई या उनके कंट्रोलर राजा हुए? प्रजा बन गई तो भूत प्रेत नहीं बनेंगे। महाभूतों का अड्डा है, है? अगर भूतों का अड्डा ना होता, भूत प्रेतों के बारे में अगर वैज्ञानिकों को जानकारी होती तो वैज्ञानिक लोग डरते वहां जाने से?
या वहाँ पहुँच जाते। वैज्ञानिक लोग भी वहाँ जाने से डरते हैं, हवाई जहाज को भी इधर उधर से निकल जाते हैं निकाल के। और बल्कि एटम बम बनाने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक तो खुद ही भूत प्रेतों के उपासक हैं कि देवी देवता है, मोस्टली उनमें से भूत प्रेतों के उपासक हैं जो एटम बम बनाते हैं दुनिया का नाश करने के लिए। हाँ, शिव बाबा जो हैं वो एटम बम बनाने की प्रेरणा गोरों को देते हैं कि कालों को देते हैं? काली को देते हैं, कालों को देते हैं। जो गोरी है वैसे भी उसको एटम बम बनाने की प्रेरणा नहीं देते। तुम ऐसे कर्म करने से बाज ही नहीं आते हो तो क्या कहेंगे? अच्छा लो, तो यही धंधा है तुम्हारे लिए, यही अच्छा लगता है, अच्छा तो यही लो, भरपूर ले लो। हाँ, शारीरिक वर्ण से गोरे हैं। हर बात स्थूल में ही उठानी जरूरी है क्या? हद में ही हर बात उठानी चाहिए या बेहद में उठानी चाहिए? हम बेहद बाप के बच्चे हैं तो आत्मा के बारे में बात उठाएंगे या बाहर से गोरा चिट्ठा है और अंदर से बिसरस भरा हुआ है, सोने का घड़ा है और उसमें विष भरा हुआ है काले सांप का, उसके पास भी कोई जाना चाहेगा? है, उसे तो कोई पसंद नहीं करता। बिसरस भरा कंद का घट जैसे। और बात करते हुए देखो तो बाबा को दिक्कत देना चाहिए, ठीक है? जिसको देखेंगे तो उसको अगर नाम भी नहीं जानते तो पता भी नहीं जानते हैं, आता तो रूप रेखा उलिया बता दो। पुलिस क्या करती है? हाँ, पुलिस कोई से पूछती है उसका नाम क्या है, उसका गोत्र क्या है? उलिया पूछती है। तो तुमने देखा है तो उलिया जानते है कि नहीं? नाक लंबी है कि नहीं? कान छोटे हैं कि नहीं? आंखें चिपचिपी हैं, देखने वाली हैं, कैसी हैं? दांत कैसे हैं? वो देखा है ना आपने, वो सब बताओ। उस आधार पर वो चित्र बनाए देते हैं, चेहरा बनाए देते हैं, अखबारों में छपाई देते हैं, उसका फोटो नहीं खींच पाते। वैज्ञानिक आधार पर उसका चित्र बनाए देते हैं और पकड़ लेते हैं। तो जितनी जानकारी है उतनी तो दे दो कि आधी दी और आधी छुपाई ली, कहीं हमको पकड़ न ले, मार पिटाई करेगा, अच्छी तरह धुनाई कर देगा जब पकड़ लेगा तो। डर भी है, हाँ, डर भी है। देखो, और हाँ जी, हाँ, आत्मा पहले का हाँ नहीं, जब आती है तो भी सात्विक के स्टेज में। थोड़ा सा अंतर ये है कि इस दुनिया का जो वाइब्रेशन है जिन आत्माओं के साथ उसका जन्म जन्मांतर के पार्ट का हिसाब किताब है, जो उनका जन्म जन्मांतर का परिवार है। हर आत्मा का अपना परिवार होता है कि नहीं? जन्म जन्मांतर का वो आत्मा खींच चुकी है, तो वो खिंचावट होती है नीचे की तरफ, इसलिए नीचे आ जाती है, जैसे कि भगवान नीचे आ जाता है। आज से 70 साल पहले इतने लोगों ने, भारतवर्ष के लोगों ने इकट्ठे होकर कभी गुहार नहीं लगाई थी, हे पतित पावन आओ,
गांधी जी के टाइम पर लाखों के लाखों तादाद लोगों ने गुहार लगाई, हे पतित पावनाओ। तो आ गया, तो खींच होती है, दिल से दिल को राहत होती है। किसके दिल से दिल को राहत होती है? जो प्रेमी होते हैं उनके दिल से दिल को राहत होती है, या जो दुश्मन होते हैं उनके दिल से दिल के दिल को राहत होती है? प्रेमी होते हैं उनसे राहत होती है, तो आत्मा नीचे आ जाती है। जाते हैं तो मोह नष्ट, जिनसे उस समय राहत थी, आकर्षित हो रहे थे, नीचे आ गए, उन्हीं आत्माओं से सब क्या हो गए? नष्ट मोह। तो दुनिया और दुनिया के संबंधी संसर्गी संपर्की अनेक जन्मों के, वो हैं हमको नीचे ले जाने वाले, और बाप है ऊपर ले जाने वाला। ये अंतर है आने और जाने में। दापुर से ये आदम और ईव का खेल होता है, तो ईव का पार्ट किसका होगा? जगदम्बा। हाँ जी, जो सारे जगत की माँ है ना, मुसलमान क्रिश्चियन मानते हैं ना उसे, उनके शास्त्रों में नाम आया है। तो जिसका नाम आया है, जिसको मानते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ उन्होंने लिखा भी है। लेकिन बाबा, जो माया का पार्ट होता है, जैसे कुमार का, तो उसमें अंदर तो इब्राहिम का सोल प्रवेश करती है। इब्राहिम किसमें? प्रकाश मणि जी दापोत से होगा माया। हाँ, पार्ट आ जाती है तो उसमें तो इब्राहिम का सोल प्रवेश करती है। हाँ, तो वहाँ से प्रभावित होता है जगदम्बा ईव। है ईव जो प्रभावित होता है। हाँ, और सुना क्या सर ने? हाँ, माया से प्रभावित होता है। हाँ, ईव तो यहाँ पर माया कौन होगी? माया से प्रभावित होती है जगदम्बा, तो जब प्रभावित होगी तो उसकी प्रजा बनेगी कि उसकी राजा बनेगी? प्रजा बनती है, है तो पावरफुल, माया से भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन प्रजा बन जाती है। तो दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। जो प्रकृति पहले सतो प्रधान थी, वो ही माया से हाथ मिलाने के कारण क्या बन जाती है? दुखदाई तमो प्रधान बन जाती है। लेकिन विष्णु का पार्ट क्या क्या हुआ है? वो तो विकोमी तो राजा विकोमी तो का पार्ट बजाते हैं ना। कौन? कृष्ण, कृष्ण। तो वो माँ का तो पार्ट यहाँ पर संगम जी को बजाते हैं, तो वहाँ पर कैसा पार्ट होगा? यहाँ पर संगम जी के वो तो माँ का पार्ट बजाते हैं ना। लेकिन दापुर से कृष्ण की आत्मा हमेशा माँ का पार्ट बजाती है क्या? अरे संगम युग में हमेशा कृष्ण की आत्मा माँ का ही पार्ट बजाती है क्या? लेकिन बाबा ने कहा ना कि 108 रुद्रमाला के सभी बच्चों में प्रवेश करती है। अरे रुद्रमाला के जो 108 मणके हैं, उनमें सिर्फ शिव बाप ही प्रवेश करता है या बाप दादा की आत्माएं प्रवेश करती हैं? बाप दादा प्रवेश करते हैं, शिव बाप का तो मुकर्रर रहते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है, दो व्यापी भी नहीं है, इसलिए एक मुख का मणका प्रसिद्ध है। क्या पूछना चाहते हैं? अभी संगम युग में तो जगदम्बा का असली पार्ट तो वही होता है ना, विष्णु का पार्ट होता है ना। ठीक है, हाँ तो उस समय भी दापुर में उसका पार्ट नहीं होगा, ईव का जो पार्ट होता है वो जगदम्बा माने गीता माता। हाँ, गीता वो कोई वही होगा।
वो प्रभावित हो जाएगा वहां से, जैसे यहाँ प्रभावित हुआ यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में कृष्ण की आत्मा जगदम्बा से प्रभावित होती है या नहीं, उसके कंट्रोल में चलती है या नहीं, तो भी एडवांस में भी जब तामसी स्टेज बनती है तो प्रभावित होती है। हाँ और जो ऐसी आत्माएं जो धर्मराज की सजाएं नहीं खाती, वो स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो, ऐसी स्टेज वाली होंगी या दूसरों को बंधन में बांधने वाली होंगी, विकारों के बंधन में तो जिन्होंने जिनके संस्कार ही ऐसे हैं कि दूसरों को मोह के बंधन में नहीं बांधती हैं, तो खुद भी मोह के बंधन में नहीं बंधती होंगी, है तो नंबर वार। हाँ पहचान ये है कि ज्ञान यज्ञ में जब से आती है भगवान को पहचानती है तो संसर्गियों से संपर्कियों से संबंधियों से नष्टो मोवा होकर के पाठ बजाती हुई देखने में आएगी या लगाव झुकाव उनका देखने में आएगा, नष्टो मोहा देखने में आवेंगी। कोई नहीं कह सकता कि इनका लगाव झुकाव लौकिक संबंधियों में संसर्गियों में संपर्कियों में लगा हुआ है। तो जो दूसरों को बंधन में बांधने वाली नहीं है, खुद बंधन में बनेगी, इसका मतलब जो निर्बंधन आत्माएं हैं उनके लिए मुरली में बोला, जो निर्बंधन आत्माएं हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। संगम युग में जो कोई भी प्रकार के बंधन में नहीं है, क्या दुनियावी धन का बंधन उनको पुरुषार्थ करने से रोक नहीं सकता, कितने भी गरीब हो जाएं, कोई भी तन का बंधन चाहे कैसा भी संसर्गी संपर्की और संबंधी क्यों न हो, उनको पुरुषार्थ में बाधक नहीं बन सकता जो नीचे गिरा दे। मन का बंधन भी इतना नहीं लग सकता जो पुरुषार्थ से उनको हटा दे, तो वो आत्माएं भाग्यशाली की लिस्ट में होंगी या दुर्भाग्यशाली की लिस्ट में होंगी। तो बंधन किनको लगता है, बंधन लगने का मूल कारण क्या है, दूसरों को बंधन डाला होगा तो संगम युग में बंधन में बंधी हुई है, इसलिए बंधन को खुशी खुशी काट लेना चाहिए। बाबा की याद में एकदम उड़ जाना चाहिए, बंधन कट जाएगा। हाँ एक पति नए नए ज्ञान में चलते थे, उसका पति शराब पीते थे, फिर एक दिन उसको पति ने आया बोला बीज देने के लिए, वो बीज नहीं दिया तो उसको काट दिया, हाँ तो मर गया, हाँ मर गया तो वो सुष्मा बर्तन में रहेगा ना ब्राह्मण परिवार में आएगा, मारने वाला मारने वाला या मरने वाला, मारने वाला भी हत्यारा, और जिसकी हत्या हुई है वो अगर बाप की याद में हत्या हुई है तो वो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं बनेगा। अगर कोई दूसरे देहधारी की याद में मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, मरेगा। हत्या तो जो युद्ध में जाते हैं, कितने युद्ध में जाने वाले वॉरियर्स की सिपाहियों की हत्या हो जाती है,
लेकिन गायन क्या है? गायन तो यही है अंतमते सोगते। किसके लिए मरे? देश के लिए मरे, सच्चाई के लिए मरे, तो सदगति होगी या दुर्गति होगी? सदगति होगी। भाव देखा जाता है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, किस स्टेज में मृत्यु हुई है, हाय हाय करके मृत्यु हुई है या हंसते हंसते मौत हुई है। अंत मते क्या थी? मेरा माने आत्मा का या शरीर का? शरीर का। वो आपका मेरा है। मेरा रिश्तेदार है। क्या पूछा है इन्होंने? घर परिवार वाला बात पूछते हैं। हाँ, क्या बात है? हाँ, क्या? नहीं दिया। नहीं समझ में आया? पूरा सुनाई नहीं दिया है इधर वालों को। मेरा जो भी लड़का लड़की है, हाँ हाँ, हाँ 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 क्या करूं? बाप की निंदा करता है ना, और आपकी भी निंदा करता है, तो निंदा निंदा चिपक जाती है, चिपक जाती है, है? अरे निंदा चिपक जाती नहीं, चिपकती ना, है? कोई कुछ देता है, गालियां देता है, तो गाली लेना न लेना आपका काम है या बाप का काम है? तो बाबा ने क्या बताया? यही तो बताया है। तो आप करते क्यों नहीं? आप नहीं करते हैं इसीलिए शिकायत करते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कंप्लेंट करने वाला कंप्लीट नहीं है। मैं क्या करूं? फिर वही मैं क्या करूं? वही गीत हो गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे कमजोर आत्माओं के साथ जो हिसाब किताब जोड़ा है वो आपने जोड़ा है कि दूसरी आत्मा ने जोड़ा है? किसने जोड़ा ये बात समझ में नहीं आई? तो बस ठीक है, अब ये समझ में आ गया ना, जिसको पता लग गया कि अरे गलती से 70-80 साल के बुढ़े से हमारा ब्याह हो गया, संबंध जुड़ गया, चलो एन कैन प्रकार कैसे भी जुड़ गया, तो उसे उसे मन बुद्धि से छोड़ने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? छुड़ाओ, रास्ता बताया बाप की याद में छुड़ाओ, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ जी, हाँ, जितना ईश्वरीय सेवा में लगेंगे उतना लौकिक बंधन ऑटोमेटिक छूटते जाएंगे। तो बीच बीच में आप उनके साथ नहीं जाते हैं क्या? आपको भी तो साथ में जाने की दिल होती है ना? ना 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 ना, फिर वही मैं क्या करूं? वो गीत याद कर लिया करो, मैं क्या करूं? क्या लिखा है ये तो बंगाली समझ पाएगा। हाँ हाँ,
हाँ हाँ देव आत्मा से उत्तम हो। हाँ तुम का अर्थ बता दिया ना, तुम जो अंदर से भी बाप के सन्मुख हैं, विरोधी संकल्प नहीं चलाते हैं, विरोधी कर्म नहीं करते हैं, सन्मुख हैं लेकिन बाप के प्रति मीठी दृष्टि है, ऐसे नहीं, दृष्टि में भी कड़वाहट हो, वृत्ति में भी कड़वाहट हो, वाचा में भी कड़वाहट हो, कर्मों में भी कड़वाहट हो, वाइब्रेशन में भी कड़वाहट हो, तो वो सन्मुख हैं या विमुख हैं, उनको निकाल दो। तो यहाँ कितने ऐसे बैठे होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बहुत होंगे। फिर सन्मुख प्रैक्टिकल में भी सामने भी होने चाहिए सन्मुख, कोई भी प्रकार से विमुख होना उनका साबित ही न हो, उनकी बात कही तो उसमें तो बहुत से निकल जाएंगे। सन्मुख को बैठने वालों में भी बहुत अनुभव करते हैं, हमने बाबा की गिलानी कर दी, हमसे भूल हो गई, होता मिल बन गया। दुनिया कहती है सदगुरु निंदक ठहर न पावे, तो हम तो उस रिश्ते में आ गए, ठहर न पावे का मतलब हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। बाप का जो संगठन बनेगा शांति धाम सुख धाम में, उस संगठन में हमारा नंबर नहीं लगेगा, हमको कहां फेंका जाएगा। दूसरे धर्मों की जो स्थापना हो रही होगी उस संगठन में हमको भेजा जाएगा ड्रामा प्ले अनुसार। तो सन्मुख हुए या विमुख हुए, रुद्रमाला के मणकों में दूसरे धर्म के मणके नहीं है, ढेर के ढेर हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन जानबूझ करके भी फिर भी अपनी आदत से मजबूर हैं। क्या कहेंगे, 63 जन्मों का हिसाब किताब का जो ड्रामा बन गया वो बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना है। हाँ जी है माता को तो में जो माता ये है, हाँ बंधन देते हैं, बंधन छोड़ देते हैं, माता के लिए बंधन का छुटकारा देते हैं, माने बंधन हल्का कर देते हैं। रुक जाओ, माताओं में सबसे बड़ी माता कौन, हम जो बोल रहे हैं उसका जवाब दो, माताओं में सबसे बड़ी माता कौन, जगदम्बा। उसके बंधनों को छोड़ दिया क्या बाबा ने, है कि 63 जन्म के जो भी बंधन हैं, जिसने बंधन बांधे हैं उसी को बंधन त्यागने पड़ेंगे। बाबा नहीं किसी का लेता है न किसी को देता है, तो ये बात गलत है कि बाबा बंधनों में छूट दे देता है। हम कहाँ बोलते, मेरे को ही पकड़ लिया। है दुखों का बंधन है, वो ही बंधन है, मुक्ति दुखों से जो मुक्ति हो जाए वो ही मुक्ति है। दुख अनुभव होता है माने बंधन है, दुख अनुभव नहीं होता है माने मुक्ति है। आप चाहें तो ज्ञान की दृष्टि से अभी भी बंधन मुक्त हो जाए, वो ही तो मुक्ति है। तो ऐसी स्टेज बनानी है ना, ऐसे थोड़े ही कि कोई ने दुख दे दिया, दुख की बात कर दी, ग्लानी कर दी, हमारे मुंह पे गाली दे दी, सैकड़ों लोगों के बीच में हमारा
अपमान कर दिया तो बस ठंडे ताजिया हो गए। एक मिनट, तो अगर प्रभावित हो गए तो हम उसकी प्रजा बनेंगे कि राजा बनेंगे? हम तो उसकी प्रजा बन गए, बंधन आ गया। प्रजा बंधन में होती है या स्वतंत्र होती है? बंधन में होती है। तो कोई भी प्रकार का दुख ले लेना और कोई से भी ले लेना, ये दुख का बंधन है। ऐसे नहीं कि सतयुग आदि होगा, राधा कृष्ण का जन्म होगा, तब ही हम बंधन मुक्त होंगे, या परमधाम में हमारी आत्मा जावेगी तभी हम बंधन में होंगे, वो बंधन मुक्त होंगे। नहीं, अभी भी ब्राह्मण जीवन में हम ऐसी स्टेज बना सकते हैं कि सब प्रकार के बंधनों से आत्मा अपने को मुक्त अनुभव करे। बंधन माया और विकारों का नहीं होता है? विकारों से ही तो दुख होता है। पांच विकारों को ही तो माया कहा जाता है, तो विकारों से दुख नहीं होता है? ये तो प्रश्न बहुत पुराना हो गया, बेसिक नॉलेज की बात हो गई। और हाँ, मस्जिद में हाँ? मस्जिद मुझे बिना दिखाते है ना, चूड़ा दिखाते हैं चूड़ा दिखाते हैं जो मीनार दिखाते हैं ना मस्जिद में, मस्जिद की मीनार। हाँ, मीनार में क्या दिखाते हैं? मीनार में क्या दिखाते हैं? हमारे मंदिर में तो नहीं होता, में मीनार की दिखाते हैं कहीं भी हो। जो मस्जिद में मीनार होती है, बहुत सी यहाँ मस्जिद भारतवर्ष में ऐसी हैं जो पहले मंदिर थे, माने टांब था, टांब परमधाम की यादगार है, वो परमधाम को तोड़ देते हैं, क्या दिखाते हैं? मीनार। जिसमें मीनार बनाते हैं उसका नाम ही है मिस जिद्द। किसके प्रभाव में आ गए? जो जिद्द करने वाली है उसके प्रभाव में आ गए। वो जिद्द करने वाली ऐसी दुष्ट है कि एक के साथ कभी नहीं निभाएगी, राण बनेगी, राण बनना पसंद, लेकिन एक के साथ निभाना पसंद नहीं। तो नाम क्या रख दिया ग्रंथ का? मुसलमान अगर कोई पकड़ेगा तो उनको मारेगा। और तो जो मीनार बनाते हैं वो मी का अर्थ क्या है और नारी का अर्थ क्या है? हाँ, नार माने जल तो है, नार माने जल तो है, जल, नार माने जल और मी माने नहीं। हाँ, मी माने मुझ, मुझ मैं, तो वो आत्मा को मैं समझते हैं, देह को है, देह को ही मैं समझते हैं। वास्तव में वो आत्माएं द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कुरान के कंट्रोल में चलने वाली हैं, जिस कुरान में जैसे युद्ध के वॉरियर्स होते हैं, उन वॉरियर्स को ऑर्डर दिए जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, ज्ञान की कोई बात नहीं होती, सारी देहभान की बातें होती हैं। इसलिए यादगार दिखाई है मीनार, सब देहभान के डायरेक्शन, ज्ञान की बात नहीं। चार मीनार क्यों दिखा था? अब बीच में जो बड़ा मीनार, उनके धर्म में कितनी शादियां करने की छूट है? और
है लक्ष्मी बाई को किसका पाठ है? रानी लक्ष्मीबाई किसका पार्ट है ये पूछना अज्ञान का पार्ट है या ज्ञान का पार्ट है? बाबा कोई के पार्ट खोल खोल के बताते हैं क्या है? बाबा ने तो कह दिया है कि बाप दादा कोई के पार्ट को कागज पर लिख करके या बोर्ड पर लिख करके नहीं बतावेंगे। बाबा की जो ज्ञान की भाषा है इशारे की भाषा है। क्या? इशारे की भाषा है। अब लक्ष्मीबाई जो है वो राजा है या रानी है? है रानी है, लेकिन रानी होते हुए भी उसने राज्य किया या नहीं किया? नहीं किया राज्य। झांसी की रानी ने राज्य किया या नहीं किया? राज्य किया। राज्य करने वाले जो भारतवासी हैं वो राजयोग सीखने वाले हैं या नहीं है? है? हाँ, राजयोग सीखने वाले जो रुद्रमाला के मणके हैं वो विधर्मियों के लिए रौद्र रूप धारण करने वाले हैं या नहीं है? है? तो उनमें कोई एक मणका ऐसा भी है कि आखिरी मणका है। क्या? आखिरी मणका है, लेकिन भगवान के पहले फूल के बिल्कुल नजदीक है। इसलिए स्त्री चोला होते हुए भी वो ऐसे राजा का पार्ट बजाती है जो भारत के राजाएं शर्मसार हो जाएं उसके सामने कि अपने देश के लिए कैसे मर मिटना होता है। तो कौन हो सकता है? अब इसको साबित करो तब माना जाएगा, कहने से थोड़े ही माना जाएगा। और है? हाँ जी, हाँ जी, 2000। हाँ जी, है हाँ जी, विश्व के मालिक हैं। विश्व धर्म कौन से संत तक जीवित रहेंगे? विश्व धर्म के लोग दुनिया में, विश्व माने सारे ही, हर धर्म के लोग दुनिया में कब तक जिंदा रहेंगे? 2036 तक। दक्षिण राज्य माने संगम युग में है? हाँ दक्षिण अरब तो चित्र में ये भी बताया कि दक्षिण अरब को जो राधा कृष्ण है वो जम्मूशी का अधिकार है दक्षिण अरब होने का। राधा कृष्ण का? राधा कृष्ण के चित्र में लिखा हुआ है कि जन्म सिद्ध अधिकार है नहीं, लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो ऊपर का चित्र है, नीचे का जो चित्र है वो तो महाराज कुमार श्री कृष्ण, और उसमें लिखा है सतयुगी, सतयुगी महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधे। तो सतयुग में विश्व धर्म होते ही नहीं है। संगम युग के राधा कृष्ण, वो तो उनका कोई गायन ही नहीं है।
विश्व की बादशाही राजयोग बल से मिलती है, और राजयोग बल से विश्व की बादशाही प्रैक्टिकल लेने वाले संगम युगी राधा कृष्ण अलग हैं और सत्यजी राधा कृष्ण अलग हैं। उन्होंने नर से नारायण बनने की प्रक्रिया सीखी ही नहीं, जो विश्व के महाराज बने। हाँ, वो संगम भी जो राधा कृष्ण हैं, उनका शास्त्रों में गायन है। जो लक्ष्मी नारायण संगम युग में बनते हैं विश्व महाराजन, उनके टाइटल में ही लिखा हुआ है विश्व महाराजन। जन्म माने प्रत्यक्षता, सारा संसार जो अव्यक्तवाणी में बोला, जो देखे जो सुने वो कहे मेरा बाप विश्व पिता आया हुआ है। तो देखेंगे ना इन आँखों से, कान से भी सुनेंगे ना, अखबारों से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से, हर जगह से आवाज क्या आवेगी? ब्रह्मा कुमारियों का नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, सारा विश्व ये बोलेगा, हर धर्म की आत्मा बोलेगी। जो नास्तिक धर्म वाले हैं, एटम बम बनाने वाले रशियंस, जो भगवान को नहीं मानते, स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, उनके मुख से भी आखिरी निकलेगा, उनके सर के ऊपर भी बम फटेंगे। कहते जब सर के ऊपर डंडा पड़ता है तो बड़ों बड़ों की आंख खुल जाती है, दूर बाज खुशबाज दूर दूर कुछ होता रहता है तो उतना असर नहीं पड़ता, जब अपने सर के ऊपर बजती है तब पता चलता है। पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू होता है? एक होता है साधारण संगम युग, और एक होता है पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं प्रत्यक्ष होने लगे, वो कब से होता है? उन्हीं को बोलने दो ना, है तुमसे थोड़े, तुम्हारी बात थोड़े ही हो रही, तुम क्यों पढ़ो? बोलने नहीं देंगे किसी को, समझने ही नहीं देंगे। वो पुरुषोत्तम संगम युग कब से शुरू होता है? जहाँ नंबरवार पुरुषों में उत्तम उत्तम आत्माएं संसार के सामने ज्ञान की दृष्टि से प्रूफ और प्रमाण सहित प्रत्यक्ष होती है, वो कब से? कब से मानेंगे? है? अरे दुनिया में उत्तम से उत्तम आत्माएं हैं कोई कि नहीं? कौन है? उत्तम से उत्तम हीरो हीरोइन पार्टधारी कोई है या नहीं है? हैं तो कब से प्रत्यक्ष होते हैं? मुरली में भी उनकी प्रत्यक्षता का टाइम बता दिया, प्रत्यक्षता वर्ष, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, सिर्फ प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, क्या बोला? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। तो बाकी साथ बाप के साथ माँ तो जरूर होगी फिर। और क्या से क्या होगा? जब सी करता है ना, तो जब पिचाई होती है तो क्या करता है? है? क्या करता है? सी करता है ना, तो बिनु भय होइ ना प्रीत गुसाई। जब तक भय पैदा नहीं किया जाता है तब तक देह अभिमानी सांडों को प्रीति पैदा नहीं होती। 70 साल हो गए भगवान के प्रति
लगातार की प्रीति बुद्धि किसी की नहीं बनी है। तो से का पहला शब्द हुआ से, सीकार, हाँ मुंह से आवाज निकलती है सी, और वह वह माने बहन करना है, बहन करना। जितने जितने शिकारी भरते हैं क्या, उन सब दुखी आत्माओं का बोझ बहन कौन करता है? जो वहन करता है वो ही सुप्रीम सोल। और है बोला बोला ना, वरौ शंभु न तो रहू कुआरी, कुआरी रहू इसका मतलब स्त्री चोला के लिए बोला या पुरुष चोला के लिए बोला? स्त्री चोला के लिए बोला। अगर पुरुष जन्म भी हुआ तो अभी ब्राह्मणों की दुनिया में वो आत्मा प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाने वालों में आगे है या निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाने वालों में आगे है? है? प्रवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाने वालों में आगे है। बाबा ने भी कहा जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे जिन्होंने जन्म जन्मांतर पवित्रता को महत्व दिया है, उनकी आत्मा में पावर तो है, काहे की पावर है, पवित्रता की, तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो कौन सी आत्मा है जो निकलेगी तो तुम्हारी, किसका इंतजार कर रहे हो? किसके लिए डायरेक्शन दिया है व्यक्तवाणी में? आवाहन करो, शहद की मक्खियों की रानी होती है, शहद की मक्खियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है बड़ा डिंगारा, उसका शहद उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्या आंखों में उतना बढ़िया असर नहीं करेगा, आंखों की ज्योति नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जो छोटी मक्खी का शहद है वो आंखों की ज्योति बढ़ाने वाला है। तो वो शहद की मक्खियों की जब रानी निकलेगी तो क्या होगा, शहद किले के दो परकोटे होते हैं, एक होता है बाहर का परकोटा और एक होता है अंदर का परकोटा। ये ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज में बाहर का परकोटा है तो ये बैठा हुआ है घर गृहस्थ में रहने वाले, कीचड़ में रह करके पुरुषार्थ करने वाले, और अंदर का परकोटा है जो अंदर ही बैठे हुए हैं सरेंडर होकर के, बाहर वाले चले जाएं तो कोई चिंता नहीं, मरो जाके हमें क्या करना, लेकिन जब अंदर वाले निकलेंगे तो दिल दर्द करेगा कि नहीं करेगा? है जिनको वो कंट्रोल में लेकर के बैठे हैं रावण संप्रदाय, वो सीताएं जब पंजे से छूटेंगी और झुंड की झुंड छूटेंगी तो उनके दिल को दर्द होगा या नहीं होगा? फिर अहंकार में आकर के आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे? और उल्टे पलटे कर्म आएंगे करेंगे क्रोध में आकर के कि सीधे सीधे कर्म करेंगे? गुस्से में आकर के जो धन दौलत इकट्ठी हुई पड़ी है, दुनिया में धर्म संस्थाएं तो बहुत हैं लेकिन इतनी बड़ी संस्था दुनिया में कोई भी नहीं फैली हुई है, तो धन भी ज्यादा आया होगा कम आया होगा, ढेर का ढेर धन आया हुआ पड़ा है, तो रावण के पास जो बाहुबल की ताकत है वो सारी झोंकेगा या नहीं झोंकेगा? इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों की बड़ी आवभगत होती है, जो पूंजीपति हैं मल्टी मिलियनायर्स उनकी बड़ी बड़ी भगत भक्ति कर रहे हैं, उनकी मक्खनबाजी बहुत होती है, क्यों हो रही है? ताकि धन के बल से उनको
टाइम आने पर खुश किया जा सके। और वो सारा रावण संप्रदाय मिल करके जो उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि ये युद्ध होना जरूर है, ये महावारी महाभारत युद्ध रुकने वाला नहीं है, सारी ताकत झोंक देंगे। लेकिन तुम बच्चों की विजय तो निश्चित है। और तो बाबा वो सोना क्यों बन के रहेगा? बन के रहेगा हाँ, पुरुष जन्म लेगा तो सोना क्यों बन के रहेगा? माना माने कोई से शादी कर लेना चाहिए हाँ? हाँ क्यों नहीं समझ में आता? जब वो पुरुष बनेगा तो राम वाली आत्मा जो है, जो विश्व पिता है, वो स्त्री नहीं बन सकती, तो क्यों नहीं समझ में आता है? हाँ अपना हिस्सा लगाना क्या नहीं रुद्रमाला की मनकों को बड़ी चिंता रहती, अच्छी अच्छी आत्मा हमारे पंजे में आ जाए। और हाँ ज्ञान में आने से पहले हाँ गुरु किया, ज्ञान में आने से पहले तो गुरु की भी पूजा किया बहुत, हाँ वो कि संगम युग में कैसा होगा वो? जो 63 जन्म में मनुष्य गुरु बन करके रहे हैं वो अभी हिसाब किताब लेने नहीं आएंगे, यहाँ गुरु बन करके प्रैक्टिकल में बैठ नहीं रहे हैं। नहीं आए गा गा की बात नहीं, अभी बताओ कि अभी वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और प्रभावित होने वाले प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। वो गुरु हैं घंटाल, और उनकी नजर पैसे के ऊपर ज्यादा रहती है, ये है निशानी, ये ज्यादा पैसे वाला है, ये ज्यादा मान मर्तबे वाला है, इसके इसलिए इसके पीछे पड़ो, काम संपन्न होकर हमारे कंट्रोल में ज्यादा आ जाएगा। और है तो बाप का सुंदर बच्चा है, हाँ सब आत्मा है, हाँ बाप का कौन सा तो बच्चा है वो अलग अलग बच्चे, बाप का बच्चा सर्व आत्मा है, 500-700 करोड़ आत्मा है बाप का बच्चा है, तो और धर्मों में कैसे चली जाएंगी? माने क्रिश्चियन जो है वो क्राइस्ट को अपना बाप मानते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, या भगवान को ही अपना बाप मानते हैं? चित्र किसका रखेंगे? क्राइस्ट का चित्र रखेंगे, भगवान का तो चित्र नहीं रखते, तो आप कैसे कहते हैं कि वो भगवान को बाप मानते हैं? सारी दुनिया भगवान को जानती ही नहीं तो बाप कैसे मान लेगी? जानेगी पहचानेगी तब तो बाप मानेगी। हैं? हमारे सामने क्यों झुकेंगे? हम सबके सामने खुद ही झुक रहे हैं, हैं? शिव बाप के सामने सब झुकेंगे, शिव बाबा के सामने झुकेंगे हाँ? हैं? क्या कौन साल में होगा? माने मुरली नहीं सुन रहे हैं रोज की रोज, इसका मतलब वो गीता पाठशाला तो खुली है कि नहीं खुली है? खुली है, जाते हैं कि नहीं रोज? तो उसमें बताया नहीं भगवान की प्रत्यक्षता का टाइम कौन सा होगा? है, है? तो सब तो जानते हैं, फिर जानबूझ के क्यों पूछ रहे? और है भगवान द्वारा
कौन सा सनातन धर्म? भगवान द्वारा देवी देवता सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या कह रहे? भगवान द्वारा जो सनातन धर्म स्थापन होता है कितना तक रहेगा और मनुष्य को द्वारा जो बनाया कितने तक रहेगा? जो सत्य होता है वो सदा काल रहता है या अल्पकाल रहता है? अरे दुनिया के भक्त भी गीता में गाया हुआ है, ना सत्य विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। जो सत्य होता है उसका कभी अभाव नहीं होता, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, जितना छुपाएगा उतना सर के ऊपर चढ़ के बोलेगा। तो ये प्रश्न करना कि सत्य सनातन धर्म कब तक रहेगा? अरे सात्विक स्टेज तो जब तक आठ है कंट्रोल में, आठ के कंट्रोल में है तब तक सात्विक स्टेज है, और आठ के बाद जो आठ के परिवार में से पैदा हुआ बच्चा आएगा और वो कंट्रोलर बनेगा तो क्या होगा? नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। और टाइम हो गया।